तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल। बच्चों आज की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, उन बच्चों के लिए जो भाई डाउट रहता है कि भाई एनओएस में बच्चे फेल क्यों होते हैं। भाई एनओएस में स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं भाई, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब आप एडमिशन ले रहे हो, जब देखो मैक्स भाई देखा जाता है ना, 50% बच्चे फेल हो जाते हैं, 50% बच्चे फेल हो जाते हैं। क्या कारण है भाई, क्यों फेल हो रहे हैं भाई? सीबीएसई के अंदर तो 80% बच्चे पास होते हैं, ओनली 20% बच्चे फेल होते हैं। तो क्या एनओएस टफ है? क्या एनओएस टफ है? क्या सीबीएसई आसान है? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है? 110 देखो 100% सिलेबस, 100% सिलेबस एनओएस का और 100% सिलेबस सीबीएसई का, सीबीएसई का बच्चे सेम है। जब सिलेबस सेम है, पूरा चैप्टर सेम है, हमारे सब्जेक्ट सेम है, तो बच्चा 50% बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं, इसका मैं आंसर दूंगा। एंड आप आंसर सुन के चौंक जाओगे कि ये हो रहा है, ये भी ऐसा ही हो रहा है, ये यही कारण है, यही फेल होने का कारण है। देखो सबसे पहले बात करते हैं बच्चा सीबीएसई में बच्चे पास क्यों होते हैं। तो देखो अगर आप सीबीएसई 10th से कर रहे हो, चाहे आप 12th में हो, सीबीएसई स्कूल से, सीबीएसई बोर्ड से, तो देखो आपको इंटरनेट पे प्रॉपर नोट्स मिलेगा। क्या आपको इंटरनेट है बच्चे? प्रॉपर नोट्स मिलता है, प्रॉपर नोट्स मिलेगा, ठीक है, नोट्स मिलता है, या फिर स्कूल में भी नोट्स आपको लिखा जाता है, या फिर आपको इंटरनेट पे, या फिर मतलब यूट्यूब पे, बेसिकली बच्चे यूट्यूब पे आपके पास बहुत सारे ऐसे आपको यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, बड़े बड़े, लाइक बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो हमारे एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं सीबीएसई वाले बच्चों को, सीबीएसई वाले बच्चों को। तो बच्चे हमारे एनएवएस वाले बच्चों का क्या, हमारे एनएवएस वाले बच्चों का क्या, कोई पढ़ा ही नहीं रहा भाई। और एक दो बड़े बड़े हमारे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, बड़े छोटे दो भी हैं, ठीक है, जैसे कि मैं भी हूँ। तो बच्चे पता क्या है, दिक्कत क्या आ रही है भाई, कोई भी प्रॉपर नोट्स दे ही नहीं रहा। अब देखो अब बोलोगे आप नोट्स नहीं है, तो एनएवएस की साइट पर बुक्स तो अवेलेबल है बच्चे, आपको बुक्स ना अवेलेबल है एनएवएस की साइट पर, एनओएस की ऑफिशियल साइट पे आप जाके चेक करना है एनओएस बुक्स, आपको सीनियर सेकेंडरी दोनों का बुक मिल जाएगा, बड़ा आसान है लेना। लेकिन बच्चे एनओएस का बुक से पढ़ना टफ है भाई, एनओएस की बुक से पढ़ना टफ है भाई। 30 चैप्टर होते हैं, 30 चैप्टर होते हैं पर सब्जेक्ट, ठीक है। मान लो जिसके अंदर 16 सब्जेक्ट चैप्टर आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, फिर भी भाई पढ़ना टफ होता है, लेकिन भाई नोट्स कहाँ से मिलेगा, प्रॉपर नोट्स कहाँ से मिलेगा? तो बच्चा कोई आंसर देगा भाई, सर मैं तो खरीद लूंगा किसी यूट्यूबर से खरीद लूंगा नोट्स। तो बच्चा मैं बताता हूँ आपको, पता है सच्चाई क्या है, किसी भी यूट्यूबर के पास प्रॉपर नोट्स है ही नहीं। क्यों, क्या मतलब है इसका? देखो 30 सब्जेक्ट हमारे 12th में है और 30 सब्जेक्ट हमारे 10th में है, ठीक है बच्चा। तो किसी भी यूट्यूबर के लिए दोनों तीनों ही 60 सब्जेक्ट को पढ़ना और उसको नोट्स बनाना मुश्किल है। क्या किसी भी यूट्यूबर के लिए 60 सब्जेक्ट का नोट्स बनाना, उसको पढ़ना और प्रॉपर नोट्स बनाना जो हमारे एग्जाम से रिलेट करता हो, भाई बहुत टफ है। तो बच्चे इसी का सोल्यूशन लेके आया हूं मैं, और इस क्वेश्चन इस वीडियो में इसलिए मैं बता रहा हूँ बच्चे फेल क्यों होते हैं। बच्चे फेल इसलिए होते हैं भाई, मैं पढ़ना चाहते हैं लेकिन भाई मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है। क्या आप और मैं पढ़ना चाहते हैं लेकिन मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है भाई? बुक्स आपको एनओएस थोड़ा लेट भेजती है, थोड़ा लेट आने में लेट लग जाता है भाई, गवर्नमेंट एंटिटी है, टाइम तो लगता है, समझते हैं हम, ठीक है बच्चे। लेकिन फेल होने से बचा कैसे जा सकता है? तो बच्चे अगर आप पढ़ना चाहते हो और फेल हो रहे हो, तो बच्चे एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मैंने तरीका निकाला है, ठीक है। मैं काफी दिनों से रिसर्च कर रहा था और मैंने तरीका ही निकाला है बच्चे। मैंने एवरी सब्जेक्ट का प्रॉपर नोट्स बनाया है मैंने आपके लिए, प्रॉपर नोट्स बनाया है जो कि बच्चे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है बच्चे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब बच्चे आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना है नोट्स के लिए, क्योंकि भाई नोट्स मैंने आपके जो बुक होते हैं एनओएस का, उसी का इस्तेमाल करके, उसी का यूज करके बनाया है। तो मुझे कुछ भी, मतलब मुझे बस 1 हफ्ते का टाइम लगा बनाने में, जिसमें मेरी पूरी टीम लग गई, ठीक है। लेकिन बच्चे मुझे कोई खर्चा नहीं आया बनाने में, तो इसलिए आपके लिए जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आपको फिजिक्स के नोट्स, ठीक है बच्चा, केमिस्ट्री के
ठीक है, अकाउंट्स के नोट्स, अकाउंट्स के नोट्स, ठीक है बच्चा, और क्या होता है मैथ्स के नोट्स, ठीक है मैथ्स के नोट्स, जितने भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, जो भी, पेंटिंग भाई, पेंटिंग, ठीक है, ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है, मास कम्युनिकेशन, बच्चे ये सब्जेक्ट जो आप देख रहे हो ना पूरा का पूरा हमारा अवेलेबल है कम्युनिकेशन, ठीक है बच्चे, ये हमारे कहाँ पर अवेलेबल है, हमारे एनएलएस की साइट पर अवेलेबल है, जिसके बुक्स आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बच्चे ऐसा नोट्स जो मुझे एग्जैक्ट एग्जाम में पास कराए, बिल्कुल एग्जैक्ट फोकस्ड नोट्स, नोट्स हो, वो कहाँ मिलेगा, तो पूरे इंटरनेट पे खोज लो, आप पूरे इंटरनेट पे खोज लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। लोग आपसे 100 रुपीज पर नोट्स भाई पीडीएफ के, पीडीएफ के बच्चे आपको 100 रुपए, 200 रुपए, ठीक है 250 रुपए चार्ज कर रहे हैं बच्चा, ठीक है, जो कि यार बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही में गलत है, ठीक है। पीडीएफ देने का बच्चे इतना चार्ज नहीं होता है। अगर आपने स्पेशली नोट्स बनवाया है, आपने अगर मान लो आपने आपने जो आप जिसने आपका एडमिशन किया, आपने उसको कॉल किया सर मेरे लिए स्पेशल नोट्स बना दो जिसके अंदर मेरा डेडिकेटेड हो, तो बच्चा बात अलग है, क्योंकि आपके लिए स्पेशल वो काम कर रहा है। लेकिन बच्चे अगर आपको जनरल पीडीएफ नोट्स दे रहा है तो 100 भाई पीडीएफ का क्या चार्ज होता है, जिसका आपको बुक से बनाया हुआ नोट्स से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो बच्चे ऐसा इसके लिए बच्चे आपको एग्जाम फीस नहीं देना है। बच्चे नोट्स क्या है, नोट्स बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, मैं फ्री पे बिल्कुल क्यों बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको पता चले जो भी नोट्स आपको मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो कॉमर्स के, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हमारे कॉमर्स में, आर्ट्स के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं बच्चे, सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करना क्या है, आपको नंबर दिया हुआ है, सर आपको क्या बोलना है, सर मैं इस क्लास में हूँ, सर मैं 10th में हूँ, मुझे सर इस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, या आप बोलो सर मुझे एडमिशन लेना है, क्या नोट्स मिल जाएगा, तो बच्चे आपका एडमिशन भी हो जाएगा। देखो अप्रैल 2025 जिसको ब्लॉक वन बोलते हैं, जिसको ब्लॉक वन बोलते हैं, एडमिशन ओपन है, और अक्टूबर 2024 जो आने वाला है, इसको बच्चा स्ट्रीम टू ब्लॉक टू कहते हैं, ठीक है। ये बच्चे कौन से हैं, जो अप्रैल एग्जाम में जो अभी रिजल्ट आया, अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो अपना इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकता है, तो दोनों ही एडमिशन ओपन है बच्चे, दोनों में ही एडमिशन ओपन है, तो बच्चे आप आकर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, एडमिशन ओपन है, ठीक है बच्चे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और क्या नंबर क्या है यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, 9667103518। बच्चे यहाँ पे आके आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको मैं प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर टीएमए प्रोजेक्ट, आपको गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि भाई हाउ टू टेक एडमिशन इन एनआईओएस, और कैसे पास होएं, कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज करें, कैसे हम जेईई मेंस की तैयारी कर सकते हैं, कैसे भाई अपना बेस्ट दे सकते हैं फॉर द एनआईओएस एग्जाम, ठीक है बच्चे। तो आई होप मैं आपका क्लियर कर पाया हूँ कि बच्चे फेल क्यों होते हैं, तो बच्चे फेल होते हैं इसलिए नहीं कि वो तैयारी कम करते हैं, बच्चे फेल होते हैं इसलिए कि बच्चे उनके पास मटेरियल ही नहीं है स्टडी करने के लिए। तो बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं, अगर सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ेगा, गलत पढ़ के जाएगा तो गलत ही लिख के आएगा, तो इसलिए बच्चे फेल होते हैं। 50% जो बच्चे पास होते हैं उनके पास क्या होता है, वो थोड़े स्मार्ट वर्क होते हैं, तो बच्चे वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं तो वो लिख के आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे फेल इसलिए हो रहे हैं, तो कारण यही है बच्चे, उनके पास नोट्स अवेलेबल ही नहीं है, नोट्स नहीं है उनके पास प्रॉपर, तो वो कैसे पास होंगे, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपके आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि बच्चे फेल क्यों होते हैं, ठीक है बच्चा। तो आई होप मैं जो इस वीडियो से मैं आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाया हूँगा, आपको कुछ सिखा पाया हूँगा, बट बेटा अगर मैंने आपको कुछ सिखाया तो क्या करो, इस वीडियो को शेयर करो उस बच्चों के साथ जिसको सही में प्रॉब्लम है, जही में वो एक बारी हो सकता है फेल हो गया हो। तो बच्चे अगर आप किसी के बड़े भाई हो, किसी के छोटे भाई हो, किसी की बहन हो, तो बच्चे ये वीडियो वहां तक पहुंचा दो, हो सकता है उसके पास अगर नहीं देख पा रहा तो उसको तक दिखा दो, ठीक है। तो बच्चे वीडियो में इतना ही था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद बच्चे।